रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने दोनेत्स के मास्को के कब्जे वाले क्षेत्र में कई रॉकेट दागे, जिससे वहां तैनात 63 सैनिकों की मौत हो गई। 10 महीने से अधिक समय पहले युद्ध शुरू होने के बाद से यह रूस सेना पर सबसे घातक हमले में से एक है। अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए सटीक हथियार का उपयोग करके किए गए हमले ने रूस के लिए एक नया झटका दिया, जो हाल ही में महीने में एक यूक्रेनी जवाब हमले से उबर गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार यानी आज करनाल से चल रही है। यात्रा गांव कोहंड से 2.25 घंटे की देरी से शुरू होकर बस्ताड़ा टोल के पास पहुंची। यहां परल में एक ढाबा पर टी ब्रेक के दौरान राहुल गांधी ने कड़ाके की ठंड में चाय की चुस्की के साथ लोगों से चर्चा की। उत्तराखंड के जोशी मठ में जमीन धस रही है। 561 घरों में दरारें आ गई हैं। इसके बावजूद NTPC के हड़ताल प्रोजेक्ट की सुरंग और चार धाम ऑल वेदर रोड का काम रोका नहीं गया है। ये हाल तब है जब सरकार ने इन पर तत्काल रोक लगा दी थी। इसके बाद कागजों पर काम बंद हो गया, लेकिन मौके पर बड़ी मशीन लगातार पहाड़ खोद रही है। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरोपी संगल मिश्रा को बेंगलुरु से पकड़ा गया। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। मिश्रा एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 300 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 264 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 204 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 66.78 करोड़ हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज शाम 7 बजे से राजकोट और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैच का नतीजा सीरीज का रिजल्ट तय करेगा। अभी 3 मुकाबले की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया पर श्रीलंका से पहली बार अपने घर में सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने शनिवार को टेनिस से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दुबई का BTA 1000 इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। सानिया ने 3 बार विक्वेंस डबल्स का ग्रैंड स्लैम और 3 बार मिक्स डबल का खिताब अपने नाम किया है। देश भर में शीतलहर जारी है। राजधानी के कई जगहों पर पहाड़ी इलाकों से नीचे पारा चल गया। शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंडा दिल्ली रहा। आयनगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 3.7, मसूरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे की वजह से 100 फ्लाइट्स डिले हुई। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 228वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी।